सो है अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो गाइस यहाँ से इन्होंने बर्फ़ उठाई है बीच रास्ते में और साइडों में अभी भी बर्फ़ है, इसीलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना हमें, मतलब बीच में ही चलना पड़ेगा। जहाँ पर भी बर्फ़ होगा वहाँ पर हम ब्रेक नहीं अप्लाई कर सकते, तो सबको ही पता होगा स्लिप बहुत ज़्यादा है। तो आज से अब प्रेडिक्शन नहीं है, आज से अब मतलब मौसम साफ दिखा रहा है। तो अभी हमें थोड़ा सा काम, हमने सोचा चलो वीडियो भी बना लेंगे और अपना काम भी कर लेंगे। एक्चुअली हम देखेंगे आज रात भर हमें वहीं रहना पड़ेगा या नहीं, वो हम देखेंगे। तो स्कूटी में फ्यूल कम है, देखेंगे डालेंगे या नहीं। चलो आज सीधे ही जाते हैं सीधे रास्ते से। तो गाइस आराम से चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर इस रोड पे कहीं कहीं पर गड्ढे हैं और पानी बीच में थोड़ा सा जमा है, हमें नहीं पता वो गड्ढे कहाँ पर है, इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, बीच में भी चलेंगे ज़्यादा। देखो ये वाले गड्ढे कहीं पर भी होंगे, वरना गिर सकते हैं, इतना तो पक्का है। बाकी इस बर्फ़ पड़ने से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो चलाई कलान की जो सर्दी है वो कम हो चुकी है, बस इतनी बर्फ़ काफ़ी है, अब और नहीं पड़नी चाहिए। तो हम बाईपास से ही निकलेंगे, यहाँ से भी मुझे लगता है कि यहाँ से भी बर्फ़ होगा। चलो बाईपास से ही निकलते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। वैसे एक्चुअली हम अभी हमें काम है, वरना आपको पता ही है हमें रिस्क टेकर, हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं। हम जाएंगे उस वाले रास्ते से जिस वाले रास्ते से रास्ता ही नहीं होगा। फिलहाल इस भाई साहब को क्या हो गया था, ये रुक गया था, पता नहीं कौन सा मशवरा इन कुछ लोगों को आ जाता है। बाकी इस भाई साहब का मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है, कभी राइट को जा रहा है कभी लेफ्ट को जा रहा है। अरे भाई साहब कैसे चला रहे हो, यहाँ पर पता है यहाँ पर टायर को बचाना है, लेकिन पीछे उसको क्या हो गया था, राइट लेफ्ट भाग रहा था अचानक से। अभी क्या बताऊँ, कैमरा में मुझे नहीं पता, यहाँ से जो जहलिम का लुक है ना खतरनाक वाला आ रहा है, ज़बरदस्त आ रहा है, अलग ही वाइब आ रही है इसको देखने के बाद, मज़ा आ रहा है। हमारा कश्मीर इतना खूबसूरत है, कैमरा में तो साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे जहलीम एक नंबर लग रहा है अभी। बस हम ही लोग इसको ख़राब करते हैं। वैसे मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ, कभी भी मैं सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकता। हमारी हॉर्न को पता नहीं क्या हो गया, ऐसे पिट पिट कर रही है। यहाँ पर है तगड़ी वाली स्लिप और यहाँ पर चलेंगे हम आराम से, तगड़ी वाली स्लिप के पास तगड़ा वाला आराम से चलना पड़ता है। वैसे अच्छा लग रहा है अभी, ऐसे चलाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ गाड़ियों के ऊपर अभी बर्फ़ है, कुछ लोगों ने उठा ली है, थैंक यू भाई साहब इसने दिखाया, जाओ आप ही। कुछ ऐसे भी ड्राइवर्स होते हैं जो दूसरे का भी सोचते रहते हैं। हाईवे पे अभी बहुत ज़्यादा छींटे हमें पड़ने वाली हैं इतना मुझे पता है। पानी कितना है यहाँ समझ नहीं आता कहाँ से चलूँ, हमें हाईवे से चढ़ना है बाईपास से, क्योंकि नीचे से अगर हम जाएंगे वहाँ से नीचे से बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और हम फंसने के चांसेस हैं। आज संडे भी है और आज यहाँ से इसीलिए इतनी ज़्यादा शॉप्स भी बंद है, ऐसा सुना सुना लगता है। अगर मतलब गर्मियों का मौसम होगा ना अभी ये संडे को मैं बोल रहा हूँ, तो क्या बताओ पिकनिक स्पॉट पे कितना ज़्यादा मज़ा होगा। अभी कुछ छींटे हम पे आ रही है, देखो ये भाई साहब आ रहा है रॉन्ग हाईवे पे, रॉन्ग आ रहा है क्या भाई साहब, थोड़ा सा बचाने के चक्कर में रॉन्ग आ रहे हो, दूसरा यहाँ से रॉन्ग आ रहा है। देखो इनका रास्ता असल में वो है, नीचे से आ सकते हैं, फिर भी इनको हाईवे पे ही रॉन्ग आना है, इनको परवाह नहीं होती है दूसरे बंदे की, इसको कुछ दिक्कत मत आएगी यहाँ से अगर किसी को नज़र नहीं पड़ी। ऐसे भी हाईवे ड्राइवर्स हैं यहाँ पर कश्मीर में, इससे भी बड़े हाईवे ड्राइवर्स हैं, बस इतना ही नहीं है इससे भी बड़े हाईवे ड्राइवर्स हैं। मुझे लगता है कि मैंने आज ऐसे बहुत टाइम के बाद स्कूटी बाहर निकाली, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, पेट्रोल डालना है, आराम से भी हो सकती है यहाँ पर हम रुकेंगे। ओके भाई साहब, तो भाई साहब पेट्रोल हमारा हो गया, डाल दिया हमने पेट्रोल भी, थोड़ा सा कम लग रहा था। तो यहाँ से भी बर्फ़ उठाई है, देखो मुझे दूर से दिख रहा है, अभी जो हमारा सिग्नल है ना खुला है, जब हम वहाँ पर पहुँचेगा ना रेड हो जाएगा, इतना मुझे पता है। चलो देखते हैं वहाँ तक, यहाँ से तो आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ से। देखो जी मैं रेड की बात कर रहा था, रेड हो गया वहाँ पर। ओके यहाँ पर गड्ढा है कहीं पर मुझे नहीं पता, बट मैं पानी से उतरा, हम करेंगे वेट यहाँ पर, क्योंकि अभी जो सिग्नल है वो रेड है, मैंने पहले ही बोला था जब भी हम यहाँ पर पहुँचते हैं सिग्नल तो रेड होता ही है।
दूर से मुझे दिख रहा था, तब ग्रीन था, अभी रेड हो गया। चलो वेट करते हैं खुलने का। बाकी मुझे लगता है कि वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं हम आप लोगों से और किसी नई सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस बंदे को नज़र ही नहीं है, सिग्नल यहाँ से ग्रीन भी हो गया और ये बंदा देख रहा था वहाँ पर।